मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के तमाम लीडरान का, तमाम MNAs का और तमाम ख्वातीन का शुक्रिया अदा करती हूँ जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया। और मैं PMLN का, मैं पीपल्स पार्टी का, मैं MQM का, मैं जमीयतुल उलमा फ़े का, मैं इंडिपेंडेंट जितने भी वहाँ पे मेंबरान आए मैं उनका, और मैं इवन IPP का भी, सब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि ये इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था, तारिक बशीर चीमा साहब को मेरी सीट के ऊपर आके मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। मेरा इस वक्त जो मोबाइल है वो जैम हो चुका है, मेरे इलाके के लोगों ने, मेरे पार्टी के वर्कर्स ने, मेरे पार्टी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इतने सॉलिडेरिटी के मुझे मैसेजेस भेजे हैं, और मेरे डेरा गाजी खान के गयूर आवाम ने, कि मेरा इस वक्त मोबाइल जैम हो चुका है। असल खुशखबरी तो सुबह ये थी और है भी कि मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक झलक आवाम ने देखी है। हम सब का तजदीद वफा का अहद है, हम खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। आज उनका चेहरा मुबारक हमें नज़र आया है। मज़ीद जमहूरियत के ऊपर बिलीव, पाकिस्तानियत के ऊपर बिलीव और अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बिलीव हमारा बढ़ गया है। स्पीकर साहब ने ये सारा मामला जो है वो इंटरवीन किया, पूरे ऐवान ने देखा। मैं सिर्फ अहले इलाका को और आपके मीडिया के तवस्त से सबको बताना चाहती हूँ कि जितना हमारे ऑनरेबल MNA मर्द साहेबान इलेक्शन लड़ के आते हैं, उतना हम खवातीन भी ताकत के ज़ोर पे, वोट के ज़ोर के ऊपर, कन्विक्शन के साथ अपने इलाका को वोट की ताकत से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके जीत कर आती हैं।